नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं सुपर हिट एक गाना, सुनो मियाँ तुम हो दीवानी। तो इस गाने को सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो पहले म्यूजिक पार्ट प्ले किया है, इस गाने का इंट्रो म्यूजिक पार्ट है। तो इस म्यूजिक पार्ट को पहले हम एकदम स्लो मोशन में सीखेंगे, इसके बाद में इसका आगे की जो लाइनिंग शुरुआत है मुखरे का उसको सीखेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे पूरे गाने को। तो आइए सीखना शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला जो म्यूजिक लाइनिंग है आप लोगों को शुरुआत करना है, जी की से शुरुआत करना है, और आप लोगों को एक ही लाइनिंग को एक ही चीज से दो बार प्ले करना है। तो देखिए कुछ स्टेप्स हैं म्यूजिक पार्ट पहला का। इसी लाइन को और एक बार, तो देखिए मैंने शुरुआत की है जी की से, शुरुआत की, रुके हैं एक ही के ऊपर। तो देखिए इस बार मैं एकदम स्लो मोशन बताऊंगा ताकि आप लोगों को सीखने में एकदम आसान हो जाए। क्लियर। तो ये तुम्हारा म्यूजिक का पहला लाइनिंग। अब हम सीखते हैं जो दूसरा नंबर लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो दूसरा नंबर लाइनिंग आप लोगों को क्या करना है, जहाँ से हमारा पहला खत्म होता है वहीं से दूसरा लाइनिंग शुरू होता है। तो दूसरा नंबर लाइनिंग का म्यूजिक का उस लाइनिंग को भी आप लोगों को एक ही लाइनिंग को एक ही से दो बार प्ले करना है। तो कुछ स्टेप्स हैं दूसरा नंबर लाइनिंग म्यूजिक का। तो पहला वाला आप लोगों को एक ही से शुरुआत करना है, सेकंड वाला आप लोगों को जी की से शुरुआत करना है। तो ये था हमारा पहला और सेकंड म्यूजिक लाइनिंग। तो आई होप आप लोगों को पहला और सेकंड म्यूजिक लाइनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम सीखते हैं जो थर्ड नंबर का म्यूजिक लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो थर्ड नंबर का जो म्यूजिक लाइनिंग है स्ट्रिंग का है। तो कुछ स्टेप्स है थर्ड नंबर का म्यूजिक लाइनिंग। उसके बाद में चौथा नंबर लाइनिंग भी स्ट्रिंग का है। ये हमारा स्ट्रिंग का चौथा नंबर म्यूजिक लाइनिंग। तो देखिए स्ट्रिंग का चौथा नंबर लाइनिंग जहां से खत्म होता है वहीं से पांचवा नंबर स्ट्रिंग का शुरुआत है म्यूजिक लाइनिंग स्टेप से। क्लियर। तो देखिए इस स्ट्रिंग म्यूजिक लाइनिंग को मैं आप लोगों को एक बार फोर फ्रेम बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में एकदम आसान हो जाए, ठीक है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो पहले थर्ड, इस बार चौथा, पांचवा। क्लियर। इसके बाद में शुरुआत हमारा गिटार का म्यूजिक लाइनिंग। तो आइए देखते हैं गिटार का म्यूजिक लाइनिंग को। तो गिटार का म्यूजिक लाइनिंग का आप लोग वापस से जी की से शुरुआत करना है कुछ स्टेप से। एक ही लाइनिंग को एक ही से दो बार लेना है। तो और एक बार लेंगे एकदम स्लो मोशन में। एक बार फोर फ्रेम देख लीजिए। तो ये थे हमारा गाने का म्यूजिक पार्ट। तो देखिए मैंने म्यूजिक पार्ट को आप लोगों को एकदम आसान तरह समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आप लोगों को म्यूजिक पार्ट समझ में नहीं आ रहा है कोई सा भी लाइन, तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस म्यूजिक पार्ट को अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे इस गाने का जो मुखरे की लाइनिंग है उसको सीखना शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं मुखरे की लाइनिंग को। तो मुखरे का जो पहला लाइनिंग आप लोगों को शुरुआत करना है, जी की से शुरुआत करना है, और गाने का लाइनिंग है सुनो मियाँ तुम हो दीवानी। तो आइए देखते हैं मुखरे का पहला लाइनिंग को। ये हमारा मुखरे का पहला लाइनिंग। तो देखिए मुखरे का जो पहला लाइनिंग है सिर्फ आप लोगों को एक दो तीन, इन्हीं तीन के ऊपर आपको क्लियर करना है मुखरे का पहला लाइनिंग को। तो देखिए मुखरे का पहला लाइनिंग को आप लोगों को वापस से और एक बार प्ले करना है, यानी कि एक ही लाइनिंग को एक ही जैसे दो बार प्ले करना है। तो देखिए इस बार जो गाने का बोल है कुछ अलग हो जाएगा। तो इस बार हो जाएगा हम तुम पे मरते हैं दिल कैसे माने, लेकिन गाने का लाइन पियानो में एक ही रहेगा लेकिन गाने का बोल अलग अलग है। देखिए तुम हम पे मरते हो, क्लियर। तो इन दोनों लाइन को और एक बार देखेंगे एक साथ में। पहले पहला, उसके आगे तुम हम पे मरते हो, क्लियर। अब हम सीखते हैं मुखरे का जो सेकंड नंबर लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो सेकंड नंबर लाइनिंग देखिए कुछ स्टेप्स है।
क्लियर कुछ स्टेप से, और एक बार देखिए। ये हमारा सेकंड नंबर लाइनिंग। अब हम सीखते हैं जो लास्ट नंबर लाइनिंग है थर्ड, उसको देखते हैं। सजने रे झूठ मत बोलो, इसी लाइन को और एक बार। क्लियर। तो देखिए ये थे हमारा गाने का मुखरिक लाइनिंग। तो मुखरिक लाइनिंग को मैं आप लोगों को एक बार स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में एकदम आसानी हो जाए। तो अगर आप लोगों को मुखरिक लाइनिंग समझ में आ गया होगा तो आप लोग आगे बढ़कर आगे लाइन सीखिए, अगर नहीं समझ में आए तो देख लीजिए और एक बार स्टेप बाय स्टेप ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो पहले पहला लाइन देखिए मुखरे का, इस बार सेकंड लाइनिंग, अब थर्ड, तो ये थे हमारे गाने का मुखरे का पार्ट। तो आई होप आप लोगों को मुखरे का लाइनिंग भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे जो म्यूजिक लाइनिंग है अंतरा से पहले, उस म्यूजिक लाइनिंग को सीखते हैं। ये थे हमारा म्यूजिक लाइनिंग। तो आइए इस म्यूजिक लाइनिंग को भी हम लोग एकदम स्लो मोशन सीखते हैं। तो म्यूजिक का जो पहला लाइनिंग है मैं अगर आप लोगों को वन फिंगर में बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और वन फिंगर में प्ले भी नहीं होगा। तो इसलिए म्यूजिक का जो पहला लाइनिंग है मैं आप लोगों को फोर फिंगर में प्ले करके ही बताऊंगा। तो देखिए कुछ स्टेप्स है। तो ये थे हमारा म्यूजिक का पहला लाइनिंग। अब हम सीखते हैं जो सेकंड लंबर लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो सेकंड म्यूजिक लंबर लाइनिंग आप लोगों को शुरुआत करना है जी किस है और टोन लेना है फ्लेट का, कुछ स्टेप्स है। उसके बाद में इसी लाइनिंग को और एक बार। थोड़ा फास्ट करके देखिए। क्लियर। तो देखिए अब हम देखते हैं जो इसके आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो वापस से आप लोगों को फ्लूट का टोन ही प्ले करना है और आप लोगों को शुरुआत करना है इस बार सी की से शुरुआत करना है। देखिए स्टेप से उसके आगे वापस से पहला वाला, इसके बाद में आप सुने होंगे गिटार का लाइन में कुछ स्टेप से म्यूजिक पार्ट है, सिर्फ तीन की के ऊपर स्टेप से। इसके बाद में फ्लेट का टोन है प्ले। तो फ्लेट का टोन में और गिटार का टोन में दोनों को मैं एक साथ में समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में एकदम आसान हो जाए। पहले गिटार का टोन में देखिए। क्लियर। तो वापस से आप लोगों को पहला वाला गिटार का टोन लेना है लेकिन सेकंड में जो लाइनिंग उसको चेंज करना है, कुछ हिसाब से इस बार चेंज। क्लियर। तो ये थे हमारा म्यूजिक पार्ट। तो देखिए मैंने म्यूजिक पार्ट भी आप लोगों को एकदम आसान तरीके समझाने की कोशिश किया है। तो आइए आप लोगों को ये म्यूजिक पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं इस गाने का जो अंतरा लाइनिंग है उसको सीखना शुरुआत करते हैं। तो अंतरा का जो पहला लाइनिंग है, प्यार तुझे करता हूँ देख मेरी आंखों में, अंतरा का पहला लाइनिंग देखिए मैंने शुरुआत किया हाई ऑक्टेव के टीकी से रुके है जी के ऊपर। तो इस बार सेकंड लाइनिंग देखिए, तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में, क्लियर।
इसके बाद में आप सुनेंगे बीच में थोड़ा सा गिटार का म्यूजिक लेनी है कुछ इस टाइप से। वापस से आप लोगों को पहला और सेकंड लाइनिंग को प्ले करना है। पहले पहला, अंतर का पहला नंबर लाइनिंग, इस बार दूसरा, अब हम सीखते हैं जो थर्ड नंबर लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो थर्ड नंबर जो लाइनिंग है आप लोगों को एक ही लाइनिंग को एक ही से दो बार प्ले करना है। इसी लाइनिंग को और एक बार, लास्ट में बुकरे वाला जो लाइनिंग है उसको प्ले करना है। वापस से ये था हमारा गाने का अंतरक लाइनिंग। तो मैं गाने का अंतरक लाइनिंग को मैं आप लोगों को एक बार स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ताकि आप लोगों को सीखने में एकदम आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं गाने का अंतरक लाइनिंग को स्टेप बाय स्टेप फोर्थ फिंगर में। तो पहले देखिए पहला लाइनिंग अंतर का, सेकंड लाइनिंग, इसका आप सुने होंगे बीच में थोड़ा सा गिटार का म्यूजिक लाइनिंग है। वापस से अंतरा का पहला और सेकंड, इस बार थर्ड नंबर लाइनिंग देखिए, इसके बाद में वापस से मुकरे का सेकंड और थर्ड नंबर लाइनिंग, थर्ड, तो ये थे हमारा गाने का अंतरक लाइनिंग। तो देखिए गाने का अंतरक लाइनिंग भी मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीके समझाने की कोशिश किया है। तो आई होप गाने का अंतरक लाइनिंग भी आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है उसको देखते हैं, सेकेंड म्यूजिक लाइनिंग। तो देखिए सेकेंड जो म्यूजिक लाइनिंग है मैं आप लोगों को सिर्फ प्ले करके बताऊंगा फोर फिंगर में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए सेकेंड जो म्यूजिक लाइनिंग है, पहला इंट्रो म्यूजिक का पहला लाइनिंग और जो चौथा नंबर जो लाइनिंग है इन दोनों लाइनिंग को प्ले करेंगे तो हमारा सेकेंड म्यूजिक लाइनिंग बन जाएगा। तो कुछ स्टेप से प्ले करना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ स्टेप से लेना है, उसके बाद में स्ट्रिंग, तो ये था हमारा सेकेंड म्यूजिक लाइनिंग। तो देखिए मैंने इस गाने का पूरा म्यूजिक लाइनिंग और गाने की लाइनिंग मैंने आप लोगों को एकदम आसान तरीके समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले और एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।